साकिना का रेप केस को लेकर पूरे देश में उबाल है। हैवानियत की शिकार पीड़िता की इलाज के दौरान मौत हो गई। 34 साल की महिला के साथ रेप के बाद इस कदर हैवानियत बढ़ती गई थी कि रूह कांप जाए। पीड़िता के प्राइवेट पर रॉड डाल दी गई थी, उसके ऊपर चाकू से वार हुआ। अधिक खून बह जाने से पीड़िता की मौत हो राजवाड़ी अस्पताल में हो गई। साकिना का के इस केस ने देश की आर्थिक राजधानी में महिलाओं की सुरक्षा पर सवाल खड़े कर दिए हैं। एक वक्त मुंबई की गिनती महिलाओं के लिए सुरक्षित शहरों में होती थी, लेकिन पिछले कुछ साल में यहां रेप की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। पीड़िता की मौत पर घाटकोपर के राजवाड़ी अस्पताल में नेताओं ने अपना विरोध जताया। वही राष्ट्रीय उत्तर भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष विजय कुमार शर्मा भी अस्पताल पहुंचे और मुंबई में रहने वाली महिलाओं की सुरक्षा और कानूनी प्रक्रिया पर दुख जताया है। ये जो घटना है, मैं इस इंसान को दरिंदा बोलना चाहता हूँ। ये आदमी इंसान के रूप में ये भेड़िया है और ऐसे भेड़ियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। अब मैं देखता हूँ लगातार देश का जो कानून का डर है ना, वो धीरे धीरे ख़त्म होता जा रहा है, क्योंकि ऐसे जघन्य अपराधियों के खिलाफ जब मानवाधिकार आकर के खड़ा हो जाएगा तो क्या होगा। इस प्रकार के अपराधियों का कोई मानवाधिकार नहीं है और मैं सरकार से गुजारिश करता हूँ कि इस आदमी को सख्त से सख्त सजा दी जाए और इसके खिलाफ टेक में मुख्यमंत्री जी से गुजारिश करता हूं कि इस मैटर को फास्ट्रैक कोर्ट में भेजा जाए और इस आदमी को सख्त से सख्त सजा मिले। और मैं समाज के लिए भी एक संदेश देना चाहता हूं कि इस तरीके के वैसी दरिंदों का किसी भी मॉडल में जाकर सपोर्ट ना किया जाए, ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। देखिए, ऐसा है, ये जो केस हैं ये 5 साल 6 साल 8 साल तक चलते हैं और इनका निस्तारण नहीं होता है। और फिर आप देखेंगे बहुत सारे जो अपराधी हैं वो कहीं ना कहीं चीज़ों को तोड़ते हैं, मरोड़ते हैं, जो आई विटनेस होते हैं उनके साथ खिलवाड़ होता है, उनको डर दिखा करके ये लोग चीज़ों को ख़त्म करने की कोशिश करते हैं। और अगर देखिए, जो दिल्ली का निर्भया केस हुआ था उसको 10 साल के बाद उसका निर्णय आया है। अगर यही जो अपराधी हैं इनको 5 महीने के अंदर 6 महीने के अंदर सजा दी जाए तो शायद इस प्रकार के अपराध में कमी हो सकती है। और राष्ट्रीय उत्तर भारतीय समाज पार्टी महाराष्ट्र सरकार से मांग करती है, यहाँ के गृह मंत्री से मांग करती है कि इसकी जांच जल्द से जल्द ख़त्म करके फास्टैग कोर्ट में चलाया जाए और इस अपराधी को फांसी की सज़ा मिले। और जो एक्यूज्ड है, जो महिला है, उसके 2 बच्चे हैं, उनके बच्चों के लिए सरकार 1 करोड़ रुपए का महाराष्ट्र गवर्नमेंट अनुदान दे और उनके बच्चों के पढ़ाई के लिए भी गवर्नमेंट को देना चाहिए। और राष्ट्रीय उत्तर भारतीय समाज पार्टी की तरफ से मैं पीड़ित परिवार के प्रति अपनी वेदना संवेदना प्रकट करता हूं और आगामी भविष्य में पार्टी जरूर पार्टी के तरफ से मदद करेगी।